हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेट्स ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करो दोस्तों अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं दोस्तों हमारा एक्वेरियम के लिए ना एक बहुत ही खतरनाक फिश लाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बजिश का एक अपडेट देना चाहता हूँ। एक्चुअली बात कुछ ऐसा है दोस्तों, मैं आज यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा मटकी लगा दिया। ये देखिए, एक्चुअली यहाँ पर जो फीमेल्स वगैरह है ना दोस्तों, वो आपस में काफ़ी लड़ाई करती है। इस वजह से मैं ये 3 मटकी लगा दिया। इसके अंदर दोस्तों 6 अंडे दी थी, बट अभी देखिए एक भी अंडे नहीं है। सभी अंडे को इन लोगों ने तोड़ दिया यार, और बच्चे भी हुआ था, बच्चे को मार दिया। बहुत नुकसान कर रहे हैं हमारा बजिश, इसलिए मैं दोस्तों ये मटकी वगैरह लगा दिया। और अगर ज़रूरत पड़े तो लगा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर एक बच्चा है, बड़ा हुआ है, देखिए खाना खिलाया है मम्मी ने इसको। इसके अंदर भी एक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों बहुत ही क्यूट है। इसके अंदर भी एक बच्चा है, वो देखिए। अरे अंडे भी है, डरो मत यार। और बाकी मटकी दोस्तों खाली है, मतलब यहाँ पर जितने भी मटकी वगैरह दिख रहे हैं ना, सबके सब दोस्तों खाली है, अंडे भी नहीं है। जितने भी अंडे दी थी, सब अंडे को दोस्तों इन लोगों ने तोड़ दिया। फाउंटेन के अंदर दोस्तों पानी बहुत ही कम है। एक्चुअली घर का जो मोटर है ना, वो खराब हो गया यार। आज मैं ठीक करूंगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से नया पानी ऐड करूंगा। आप चलिए इनको खाने के लिए देते हैं। आ जाओ, ये खाना स्टार्ट किया, देखिए खा लो। इतना ही काफ़ी है दोस्तों, कितना क्यूट लग रहे हैं ना। फिर भी दोस्तों काफ़ी बड़ा हो गया है। खाओ। मैं दोस्तों आप लोगों से एक बात छुपा के रखा था। एक्चुअली हमारा डायमंड डॉग ने दोस्तों बच्चे दी है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर है दोस्तों, वो देखिए बच्चा बड़ा हो गया है। मैं पास लेके दिखाता हूँ। ओके, ये लोग तो काफी फ्लाई करेगा। रुको, कुछ नहीं करूंगा यार, डरो मत। अरे ये देखिए दोस्तों, तो हमारा लैबर्ट ने कितने अंडे दिए हैं वो भी दोस्तों देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कॉलोनी के अंदर जाते हैं। क्या हुआ, हमारा कुत्ता दोस्तों मीठी मीठी आवाज निकल रही है। हमारा वो कुत्ता दोस्तों कोयल की तरह आवाज निकालती है। अरे तुम लोग भागो यहाँ से, फिर मुझे उस रूम के अंदर आ जाना। ये दोस्तों अंडे पैचिंग कर रही है। टोटल 4 अंडे दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर नेस्टिंग कर रही है, खाली है। इसके अंदर देखना होगा, ये भी दोस्तों अंडे देगी। देखिए मटकी के अंदर है, ठीक है, ये अंडे देने वाली है। बाय द वे, आप चलिए कॉलोनी से बाहर निकालते हैं और हमारा फिशेस को दिखाते हैं। यहाँ पर जो फिशेस है ना, इनको भी दोस्तों खाने के लिए फूड देना होगा। ये खाओ, खाने के लिए आ रहे। देखिए खाना स्टार्ट भी की है, इतना ही काफी है। आ जाओ सभी, आ जाओ ऊपर, खाना खा लो। इस तरफ क्या यार, सभी यहाँ पर जमा हो गए। हाँ खाना खाओ। खा रहे कितना, क्यों नहीं खा रहे सभी? तो दोस्तों प्लांट्स के नीचे है। खाओ। ठंड के सीजन में दोस्तों हमारा गोलू मोलू स्नैपी खाना नहीं खाया, लेकिन दोस्तों गर्मी का सीजन आ गया। आप ही लोग दोस्तों पेट भर के खाना खाती है, आप फिश खाते हैं, फूड खाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को कहा था कि एक डेंजरस फिश लाया हूँ हमारा एक्वेरियम के लिए, चलिए उसको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों वो डेंजरस फिश, प्लेको फिश। देखिए कितना बड़ा सा है ना, और काफी खतरनाक लग रहा है यार इसको। काफी डेंजरस फिश है ये सच में। तो एक्चुअली इसको दोस्तों एक्वेरियम के अंदर रखूंगा एक्वेरियम को साफ करने के लिए। हालांकि दोस्तों ये लोग ज्यादा साफ नहीं करते हैं, पोटी करके गंदा कर देते हैं, आप सभी को पता ही है ना। तो अभी मैं इसको क्लीन करूंगा, काफी गंदा हो गया है, थोड़ा दोस्तों साफ करते हैं। ये है दोस्तों इस फिश की मुंह, ये देखिए नीचे है, देख रहे ना, और आंखें देखिए भाई, काफी स्मॉल सी है, ठीक है। इसको मैं दोस्तों साफ कर लिया, आप चलिए टैंक के अंदर रखते हैं। अरे भूख लग गया क्या,
तक तो अभी उसको भूख लग गया। आज हमारा रैबिट्स के दोस्तों खाने के लिए दिया गया था तरबूज के सिलके, काफी शौक से खाते हैं हमारा रैबिट्स। ये दोस्तों आराम से सो रहे, देखिए सो जाओ ठीक है। बाय द वे ये दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करता हूं सबको पसंद आया है। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।